नमस्कार दोस्तों, आपका एमबीस गणेश इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर क्या है, इसके भाग, उपयोग, प्रकार ये देखते हैं और उसका सिद्धांत भी देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा हानि की हानि किए बिना ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, इसलिए इस वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ट्रांसफार्मर धारा की आवृत्ति बिना बदले वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने किया है। इसे 1831 में दुनिया को दिखाया। हिंदी में ट्रांसफार्मर परिणा चित्र कहते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, इसलिए इस वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ट्रांसफार्मर धारा की आवृत्ति बिना बदले वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, इसे स्थिर यंत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है या कोई भी पार्ट हिलता नहीं है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और अन्योन्य प्रेरणा दिष्ट धारा में संभव नहीं है, इसलिए ट्रांसफार्मर दिष्ट धारा में यूज नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या काम करने का सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक मेटेलिक कोर और 2 वाइंडिंग होती है, जो कि बहुत ही अच्छे सुचालक धातु जैसे कॉपर की बनी होती है। वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मेन रोल निभाती है। ट्रांसफार्मर में जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसका मान बदलता रहता है। द्वितीय कुंडली इसी क्रोड से लिपटी होती है। इससे द्वितीय कुंडली से गुजर रहे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। दूसरी कुंडली में पैदा हुई प्रत्यावर्ती धारा का मैग्नीट्यूड फ्लक्स के समानुपाती होता है। पैदा हुई धारा की दिशा सीधे हाथ के ग्रिप नियम से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी कुंडली में पैदा हुई धारा की आवृत्ति पहली कुंडली में प्रवाहित की जा रही है के समान होती है। इस रिएक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सेकेंडरी कॉइल में उसे आवृत्ति का अल्टरनेटिव वोल्टेज पैदा हो जाता है, जिससे फ्रीक्वेंसी का हमने प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज लगाया था। अब ट्रांसफार्मर के भाग देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर। ट्रांसफार्मर में कोर बीच में होती है। यह लैमिनेटेड स्टील प्लेट्स की बनी होती है, जो पट्टी टाइप्स की होती है। इन सभी पत्तियों के बीच मिनिमम एयर गैप होता है। ये भंवर धाराओं को कम करती है। कोर के चारों ओर वाइंडिंग लिपटी होती है। वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग देखते हैं। वाइंडिंग जो तारों के फेरे होते हैं उसे वाइंडिंग कहते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। और यदि ट्रांसफार्मर 3 फेज हो तो उसमें 3 प्राइमरी वाइंडिंग और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये सभी इंसुलेटेड लेयर से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहती है। अब ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक देखते हैं। कंजर्वेटर टैंक हाई पावर ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं। ये छोटे होते हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे। ये कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर में ऊपर की ओर होते हैं। इसमें गर्म ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर वापस जाता है। अब ट्रांसफार्मर में ब्रीदर देखते हैं। यह कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड रहता है। यह ट्रांसफार्मर की ब्रीदिंग सांस लेने के काम आता है और ट्रांसफार्मर के अंदर और बाहर हवा ब्रीदर से ही जाती है। ट्रांसफार्मर के वॉल्व्स। ट्रांसफार्मर में वॉल्व्स के द्वारा ही ऑयल डाला जाता है और वॉल्व्स से ही बाहर निकाला जाता है। ट्रांसफार्मर का स्टील टैंक। स्टील टैंक ट्रांसफार्मर का अहम हिस्सा होता है। कोर, वाइंडिंग, एक्सेट्रा सब कुछ इसी के अंदर होता है। यह ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा होता है। यह बेलनाकार या घनाकार होता है। यह ट्रांसफार्मर की भीतरी बनावट पर डिपेंड करता है। अब ट्रांसफार्मर की कूलिंग ट्यूब देखते हैं। कूलिंग ट्यूब, इनमें ट्रांसफार्मर ऑयल बहता है। यह रेडिएटर की तरह काम करके ऑयल को ठंडा कर देता है। अब तापमापी देखते हैं।
थर्मोमीटर या तापमापी ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल और वाइंडिंग का तापमान मापता है और ज़्यादा बढ़ जाने पर अलार्म बजता है। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार देखते हैं। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये दो प्रकार है। फेज के आधार पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर ये दो प्रकार है। कोर के आधार पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर ये दो प्रकार है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इसमें करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये दो प्रकार है। वोल्टेज लेवल के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार और कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, जगह के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार तथा उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, जिनमें पावर ट्रांसफार्मर, मेजरमेंट ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप और स्टेप डाउन इत्यादि ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज लेवल के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। वोल्टेज लेवल के आधार पर ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को घटाते हैं। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। ट्रांसफार्मर जैसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरों में संख्या की किस प्रकार होती है देखते हैं। धारा का वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तांबे के तारों के घेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में तांबे के तारों के घेरों की संख्या अधिक होती है। जब लंबी दूरी के लिए करंट पहुंचाते हैं, जैसे पावर स्टेशन से किसी शहर में, तब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से धारा का वोल्टेज बढ़ता है। धारा के मन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने में यूज होते हैं, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ऊंचाई परिमित्र कहते हैं। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में वायर के टर्न एनपी कम कर देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग एनएस में तारे के फेरे ज़्यादा होते हैं। वाइंडिंग में तार के फेरे संख्या कम हो और तार की मोटाई ज़्यादा है और दूसरी वाइंडिंग में तार पतला है और फेरों की संख्या ज़्यादा है। दूसरा प्रकार, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। धारा का वोल्टेज घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जब पावर स्टेशन से बिजली आती है, उसके बाद उसका वोल्टेज कम किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में तांबे के तारों के घेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में कम होती है, तब वोल्टेज को कम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से धारा के वोल्टेज का मान घटता है। धारा के मन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है या डिक्रीज करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को अपचाई परिमित्र कहते हैं। इस प्राइमरी वाइंडिंग में वायर पतला और वायर के फेरे ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में वायर के फेरे की संख्या कम होती है। जब, जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसफार्मर वोल्टेज चेंज करता है और इसी काम में आता है, और यह कि पावर चेंज नहीं होते हैं, ऊपर फॉर्मूला है पावर का, जहाँ वोल्टेज और करंट, जब कोई ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज करता है तो धारा कम हो जाती है, जिससे पावर चेंज नहीं होती है। इसी प्रकार वोल्टेज कम होने पर करंट ज़्यादा होता है, जिससे पावर चेंज नहीं होती है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या है ये देखते हैं। वे ट्रांसफार्मर जिनका उपयोग थ्री फेज की प्रत्यावर्ती धारा की पावर सप्लाई के साथ होता है, उसे थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है ये देखते हैं। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल को प्राप्त ऊर्जा और प्राइमरी कॉइल को दी गई ऊर्जा अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। यह अनुपात 100 होना चाहिए एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, पर ऐसा नहीं होता। ट्रांसफार्मर की दक्षता 65 से 90 के बीच होती है और होने वाली ट्रांसफार्मर की हानियां होती है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का लॉस। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा होने वाली ऊर्जा का लॉस या हानि, पहला है कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाली कॉइल्स कॉपर की होती है, करंट फ्लो होने से गर्म होती है। यहाँ पर ऊर्जा का लॉस ऊष्मा के रूप में होता है। ऐसे आयरन लॉस,
शैथिल्य हानि, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होता है, ये सब ट्रांसफार्मर में होता है। अब ट्रांसफार्मर के उपयोग देखते हैं। अभी हमारे लिए बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के रहना हम सोच भी नहीं सकते हैं। हर जगह हर काम में इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। ट्रांसफार्मर क्या क्या काम करता है और इनके उपयोग अनुप्रयोग क्या है? हमारे दैनिक जीवन में रेफ्रिजरेटर, रेडियो, टेलीफोन और टीवी में ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। कारखानों में होने वाली वेल्डिंग और विभिन्न प्रकार की फ्यूरेंस में ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। जहाँ इलेक्ट्रिक पावर बनती है, वहाँ से हमारे घरों में ट्रांसफार्मर से करंट की प्रबलता कम करके भेजी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करंट डिस्ट्रीब्यूट करने में होता है। इस प्रकार हमने ट्रांसफार्मर की जानकारी ली है। धन्यवाद दोस्तों।